बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड ऑफरिंग योर प्रेयर्स रेगुलरली। आई एम नूरुल हुदा हियर टू प्रोवाइड यू द लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। इट्स 25th जून एंड थर्सडे टुडे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू finish unit number 8 named as nutrition. In today's lecture you will learn about the liver, its role in a human body and what diseases are related to gut. Students, today we are going to study our last topics. Okay, it's your last lecture of this chapter. In this lecture we will study the role of liver first. Okay, the liver is basically the largest gland of the body. Gland is an organ in a animal's body that secretes some chemicals which are helpful in body functioning. Okay, it is multi-lobed, which means that इसकी बहुत सारी lobes होती हैं। यहाँ से देखें, एक दो तीन ये lobes हैं इसकी, और इसका जो color होता है वो dark होता है, ठीक है, liver का। यह diaphragm के नीचे होता है। अच्छा, अब आपको बताऊँ diaphragm क्या होता है, कि पेट में lungs के नीचे एक muscular organ होता है, ऐसे dome shaped semi circular, इसको हम diaphragm कहते हैं। इसके नीचे ये होता है, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन में इसका जो वेट है वो 1.5 केजी है, और इसका जो साइज़ होता है वो फुटबॉल के जितना है। और इसके जो वेंट्रल साइड इसकी है, इसकी पिछली जो साइड है, इसमें एक पियर शेप ग्रीन कलर का एक ऑर्गन होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। लिवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है, यानी लिवर की जो सिक्रीशन है उसको हमने नाम दे दिया बाइल का, जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। जब गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बाइल जो है वो ड्यूडिनम में चला जाता है। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और जाता कैसे, कॉमन बाइल डक्ट से, यानी गाल ब्लैडर से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है जो ड्यूडिनम की तरफ बाइल को लेकर जाती है। बाइल में कोई इंजाइम नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ साल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन करते हैं लिपिड्स की। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, लिपिड्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखना, ठीक है। यह लिपिड डाइजेस्टिंग इंजाइम्स को जो है वो हेल्प आउट करता है लिपिड को डाइजेस्ट करने में। डाइजेशन के साथ साथ लिवर जो है वो उसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, जैसा कि ये अमाइनो ग्रुप्स को जो है वो रिमूव करता है अमाइनो एसिड से, यानी उनकी डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है, ये, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अमाइनो एसिड का ये फॉर्मूला होता है सी, एक तरफ दरमियान में सी होता है, एक तरफ सी ओ ओ एच यानी, और दूसरी तरफ एन एच टू, तीसरी तरफ H और चौथी तरफ R ग्रुप, यानी यहाँ पर भी कुछ भी जुड़ सकता है। तो इस ग्रुप को जो रिमूव कराना होता है इसको हम कहते हैं डीएमिनेशन, ठीक है। तो ये डीएमिनेशन करता है, इसके अलावा अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे हम यूरिया कहते हैं। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है जिसे हम फिब्रिनोजेन कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह की कन्वर्जन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को ही जो है वो हीट प्रोड्यूस करके मेंटेन रखता है। इसके अलावा फैट सोलेबल विटामिन्स जो होते हैं ए डी ई एंड के और मिनरल आयंस वगैरह जैसे कि आयरन, इन सबको स्टोर करता है। नाउ वी स्टडी द डिसऑर्डर्स ऑफ गट। गट क्या होती है, आपकी ये जो पूरी एलिमेंट्री केनाल होती है माउथ से लेकर एनस तक, हम इसे गट कहते हैं। अब इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे डायरिया का। डायरिया इज़ बेसिकली द कंडीशन ऑफ लूज मोशन, ठीक है। इसमें वाटरी जो है वो सिक्रीशन होती है और लूज मोशन होते हैं। इस कंडीशन में जो है वो पेट में भी दर्द होता है, मतली आती है और कै वगैरह आती है, ठीक है। मतली होती है, दिल ख़राब होना और कै वगैरह आना, पेट में बहुत दर्द रहता है इसके। अब ये होता क्यों है कि कॉलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ पे आपको पता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है फूड मटेरियल में से। जब वो नहीं हो पाती तो जो है वो ये डायरिया हो जाता है। कॉजेज़ क्या हैं डायरिया के जब हमें साफ़ पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में, उस वजह से भी होता है डायरिया जो है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर जो पेशेंट है उसको सफिशिएंट फूड और वाटर अवेलेबल है तो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा इंसान जिसको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिएंट सही से अवेलेबल नहीं है, तो उसके डायरिया की वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी जिसम में पानी की कमी हो जाती है, और ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाता है, यानी इंसान की जान को भी ख़तरा हो सकता है। ट्रीटमेंट है नेक्स्ट के
इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और जिसमें सॉल्ट्स वगैरह हों और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम निमकोल वगैरह बनाकर पीते हैं या गंजबीन बनाकर पीते हैं, ठीक है, उसमें मिनरल्स वगैरह या सॉल्ट्स होते हैं तो वो पानी की कमी को भी पूरा करते हैं, बाकी जो लॉस होता है उसको भी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी ली जा सकती हैं डायरिया को क्योर करने के लिए, लेकिन उस डायरिया को जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। अब डायरिया को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, कि आप साफ़ पानी पिएं जिसमें सॉल्ट्स वगैरह हो, यानी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी में नमक डाल के थोड़ा सा पी लें, और जो है वो हाइजीन मेयर्स को सामने रखते हुए आप जो भी गज़ा खाएं, यानी साफ़ सुथरा हाइजीनिक मेयर्स होते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और साफ़ खाना खाएं और साफ़ चीज़ें लें। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में कब्ज़ भी कहते हैं, ठीक है, ये वो कंडीशन है जब जो फीसिस हैं वो बहुत हार्ड प्रोड्यूस होते हैं और उनको एलिमिनेट करना बॉडी से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, कि जब कॉलन से बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, डायरिया में हमने देखा था पानी अब्जॉर्ब नहीं होता तो वो रिलीज़ होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशन, लेकिन क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, और इसके अलावा डाइट्री फाइबर में भी कमी अगर बॉडी में हो तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पानी की कमी की वजह से भी, और उसके अलावा ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल जिसमें आयरन कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मकदार ज़्यादा हो, या अगर रेक्टम और एनस में ट्यूमर्स हो गए हों तब भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन के है कि आप अपनी एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं और डाइट को अपना चेंज करें, मेडिसिन जिनको हम लेक्सेटिव्स कहते हैं, जैसा कि उसकी एग्जांपल है पैराफिन्स, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, तो कौन सी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में, लेक्सेटिव्स, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीटमेंट से जो है वो आसानी से जो है वो दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो है वो आपको ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए कि बजाय सिर्फ दवाइयों पर जो है वो इनसार करने के बजाय हमें ख़ुद भी कुछ मेयर्स लेने चाहिए, हमें जो है पानी ज़्यादा पीना चाहिए और अपनी ख़ुराक में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें डाइट्री फाइबर्स ज़्यादा हों। नेक्स्ट है हमारे पास अल्सर। अल्सर जो है होता है जब गट जो होती है जो आपकी फुल जो माउथ से लेकर एनस तक की जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसको गट भी कहते हैं, उसमें ओसोफेगस ड्यूडिनम या स्टमक वगैरह में जब सूजन वगैरह हो जाए या ज़ख्म हो जाए तो उसे हम अल्सर कहते हैं। अल्सर में क्या होता है कि जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं वो जो इनर वॉल्स होती हैं ना इन ऑर्गन्स की, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको खा जाते हैं। अब जो स्टमक का अल्सर होता है इसमें हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं। अल्सर के कॉजेज क्या हैं, एक्सेस एसिड इन्फेक्शन के ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड का प्रोड्यूस होना, इन्फेक्शन हो जाना, या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का ज़्यादा यूज़, ऐसी जिसमें एस्पिरिन वगैरह आती हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करना, जो कॉफ़ी ज़्यादा पीना, कोलाज ये जो ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा स्पाइसी फूड्स वगैरह खाना, ये सारे जो हैं वो कॉजेज़ हैं अल्सर के। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि पेट में जलन महसूस होना खाना खाने के बाद या रात के वक्त। इसके अलावा सवेर अल्सर में कॉज एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी होती है, पेट में दर्द भी होती है, सलाइवा भी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतली होती है, भूख ख़त्म हो जाती है और वेट लॉस होता है, ठीक है। अल्सर को ट्रीट किया जाता है मेडिसिन से जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करती है। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज़ करता है, बेस न्यूट्रलाइज़ करती है, तो ऐसी मेडिसिन जिसमें बेसिस हों उसको हम वो एसिड वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। इसके अलावा स्पाइसी और एसिडिक फूड से परहेज़ करना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए। आप लोगों ने केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 में एंटासिड का वर्ड पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब है जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करके उसको ख़त्म करे, तो एंटासिड जो होता है वो एसिडिक इफेक्ट को कैंसिल करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था वो इन दवाइयों में अल्सर की दवाइयों में यूज़ होता है। सो दिस वॉज योर लेक्चर, योर चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड टुडे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स क्लियरली एंड यू हैव क्लियर ऑल योर concepts. If you find any query and any difficulty in this chapter, you can ask freely in the privacy removal times. I would also provide you the notes of this chapter in which you can get the answer of the exercise questions. Okay, you have also to prepare the terms to know present in the exercise. Okay, so please prepare this chapter carefully because this is included in your papers. Please do learn all the topics carefully and do their HA on your rough register. Allah Hafiz. Take care of yourself. Take care of your family. Stay home. Stay safe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.